फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी हेयर फॉल और फ्रिंजी हेयर के लिए सॉल्यूशन। बहुत लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम आप स्किन केयर और मेकअप के लिए तो काफ़ी सारे टिप्स लेकर आ रखे हो, बट आपने हेयर के ऊपर एक भी कोई वीडियोज नहीं बनाया। तो मैं आज हेयर के ऊपर भी कोई वीडियो लेकर आई हूँ। तो हेयर फॉल और फ्रिंजी हेयर्स के लिए जो आज मैं सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ, उनका सॉल्यूशन है अंडा। अंडा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है, प्लस इसके बहुत सारे प्लस 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 ही फायदे हैं। हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है, प्लस हमारे स्किन और हेयर केयर के लिए भी बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है। खासकर फ्रिंजी हेयर्स के लिए तो ये कंडीशनर है बेस्ट। इससे ज़्यादा कोई अंडे से ज़्यादा कोई बेस्ट कंडीशनर तो वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो ये प्रोटीन का बेहतर सोर्स है और ऊपर से अभी हम जब हमारे स्कैल्प में अंदर जड़ों में जाएगा तो ये हमारे बालों को जो क्षतिग्रस्त हमारे हेयर हैं, हमारे जो बाल मतलब टूटते हैं, दो मुंह हो जाते हैं, झड़ते रहते हैं और बढ़ना बंद हो जाते हैं, उनको भी ये फ़ायदा पहुंचाएगा। तो चलिए हम सीखते हैं इसके रेमेडी क्या क्या हम इसको चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लेंगे एक बाउल और इस बाउल को इसमें अंडे को तोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि कई सारी वीडियोस में या फिर कई कई मैंने देखा है कि अंडे का ये जो येलो वाला पार्ट है और ये जो वाइट पार्ट है, इसको लोग अलग कर लेते हैं, बट मैं इसको दोनों को साथ में लूँगी, क्योंकि हमारे हेयर को जब हमारे बाल झड़ते तो इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमें मैं इसको अलग नहीं करूँगी। प्लस अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क। ये देखिए, ये मिल्क है। मैंने यहाँ पर एक ही अंडा लिया है। अगर आपके बाल लंबे हैं या ज़्यादा घने हैं तो आप उसके हिसाब से दो अंडे या तीन अंडे ले सकते हैं अपनी लेंथ के हिसाब से। तो मैंने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से एक ही अंडा लिया है, प्लस इसमें मैं मिल्क डाल रही हूँ 4 चम्मच। 4 चम्मच मैंने इसमें दूध ऐड किया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने अंडे में दूध मिलाया है और बाकी कुछ नहीं मिलाया है। दूध मिलाने से क्या है, इसके जो गुण हैं वो और बढ़ जाएंगे। मिल्क में भी प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, जो हमारे जो बाल स्कैल्प से जो बाल हमारे जो जड़ें कभी कमज़ोर हो जाती हैं तो इस कारण हमें बाल झड़ना लग जाते हैं, तो ये उसको मजबूती प्रदान करेगा। और मैं एक बात आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है कि आप ऑलिव ऑयल ही इसमें ऐड करें। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं ऐड करें। मैंने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरा जो स्कैल्प है काफ़ी ज़्यादा ऑयली है ऑलरेडी। तो अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, हेयर ऑयली हैं आपके, तो आप उसको अवॉइड ही करें। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इससे हम अपने स्कैल्प में मसाज करेंगे, जेंटली मसाज करेंगे ताकि ये स्कैल्प में अच्छे से समा जाए और हमारे जड़ों को मजबूती प्रदान करें। से 25 मिनट के बाद वॉश करूंगी। तो आपको 20 से 25 मिनट के बाद वॉश करना है, तो वॉश आपको करना है तो ठंडे पानी से करना है। ये नहीं कि आप पूरा बर्फ़ का पानी ले लीजिए, नहीं, लेकिन ठंडा पानी होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अंडे की क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मेल होती है जो बहुत गंदी लगती है सबको। तो गर्म पानी से हम धोएंगे और नॉर्मल पानी से धोएंगे, इसकी स्मेल जाएगी नहीं, तो इसलिए हमें थोड़े ठंडे पानी का यूज़ करना पड़ेगा। और जब इसको हम वॉश करेंगे तो आप अपना जो भी आपका है फेवरेट शैम्पू और कंडीशनर कर सकते हो। आप चाहे तो कंडीशनर ना भी करें, तब भी आप देखेंगे आपके बाल फ्रिंज फ्री और स्मूथ और सिल्की होके आएंगे और आपको इसका असर कम से कम 2 हफ्तों में ही दिखने लगेगा। आप इसको हफ्ते में एक से दो बार तो नहीं, तो आप 2 बार लगा लीजिए। अगर आपके हेयरफॉल ज़्यादा होते हैं तो आप 2 से 3 बार भी लगा सकते हैं, और अगर फ्रिंजी हेयर्स हैं तो आप भी 2 बार लगा सकते हैं हफ्ते में। सो गाइस, मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है और हेयर वॉश करने के बाद मुझे अपने हेयर्स काफ़ी ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं।
पहले ही वॉश पे, तो आप भी इस चीज़ को ट्राई करें। अगर आप बहुत हेयर फॉल होता है या फिर आपके फिंजी हेयर्स हैं, बाल बिखरे बिखरे रहते हैं, डैमेज हैं काफ़ी, तो ये अंडा जो एग और मिल्क है ये आपके पोषण के साथ साथ आपके हेयर डैमेज को भी ठीक करेगा और फ्रिंजी हेयर्स से भी आपको स्मूथनेस में लेकर आएगा आपके हेयर्स को। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेस्ट है हेयर फॉल्स और फ्रिंजी हेयर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, से भी बाय।